अगर आप ही चाहते हैं अपने घर पे नमकीन बनाना और लंबे समय तक इसे स्टोर करना तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, रानी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। तो एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम एक कटोरी नाप कर ले लेंगे गेहूं के आटे और एक कटोरी दोनों बराबर से हम ले लेंगे मैदे, मतलब कि दोनों सेम क्वान्टिटी में ही लेंगे। आप चाहे तो किसी और भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं, कप से या भी आपके पास जो भी बर्तन उसी से। तो हमने एक कटोरी से इसका मेजरमेंट किया है, तो एक कटोरी से हमने दोनों बराबर बराबर मेजरमेंट पिन ले लिए हैं। और उसके बाद इसमें हम डाल दिए हैं एक टेबल स्पून चम्मच नमक डाले हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, और फिर उसमें हम डाल लिए हैं सिर्फ एक बड़ा चम्मच घी डाले हैं। आप चाहे तो इसके जगह पर तेल भी डाल सकते हैं, सरसों तेल, रिफाइन या और भी कोई तेल। तो हमने घी डाले हैं, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। और फिर हमने एक टेबल स्पून चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिससे हमारी नमकीन फूली फूली बनकर रेडी होगी। तो हमने एक टेबल स्पून चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, और फिर इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाई है फ्रेंड, तो इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से रगड़कर इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर क्या करना है, इसमें बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर इसे अच्छा से हम गूँथ लेंगे। और ध्यान रखें तो इसमें हम सारे पानी एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से आटे को गूंथते जाएंगे। तो हम आटे को थोड़ा टाइट ही गूंथेंगे, मतलब आटे को आप जितने ही टाइट गूंथिएगा उतने ही आपकी निमकी मार्केट की तरह कुरकुरा बन के रेडी होगा और फूली फूली। तो इस तरह से हमने करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से हमने आटे को गूंथ लिए हैं। तो आप इसके पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हमने गेहूं की आटे की और मैदे की दोनों की अलग अलग से नमकीन बनाए थे। तो इस बार इस वीडियो में हमने दोनों को मिक्स करके नमकीन बना रहे हैं, जो दोनों को क्वांटिटी सेम है और काफ़ी अच्छी, तो बिल्कुल मार्केट की तरह से नमकीन बनी फूली फूली। तो हमारी आटे इस तरह से गुथा चुकी है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, 5 मिनट रेस्ट पर रख लेते हैं और फिर इस आटे को फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 टुकड़े में इस तरह से हम इसे तोड़ लेंगे और अपने हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, और फिर इसे हम सूखे आटे या मैदे इस पर डालकर अच्छी तरह से हम रोटी की तरह से हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और मोटा भी नहीं। तो हमें इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे, चारों साइड से इस तरह से हम काट के हटा लेते हैं। अब फिर बचे हुए भाग से हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे और छोटे छोटे साइज में हम नमकीन का शेप देंगे। आप चाहे इसे अपने अकॉर्डिंग इसका शेप दे सकते हैं, आपको बड़ा या ऐसे भी छोटा पसंद है तो ऐसा ही शेप दे सकते हैं। बाकी बचे हुए आटे से हम इसी तरह से सारे को हम बेल लेंगे और इसी तरह से सारे को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के नमकीन बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने एक पैन चढ़ा लिए हैं और इसमें हम डाले हैं सरसों तेल। आप चाहे तो इसके जगह पर और भी कोई तेल यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सरसों तेल डाले हैं और सरसों तेल जब हमारी गर्म हो जाएगी तो इसमें हम नमकीन को डाल देंगे और इसे गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी नमकीन एकदम फूली फूली मार्केट की तरह बन चुकी है। बाकी और भी बची हुई नमकीन को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो आप लोग को ये रेसिपी पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये आप लोग का नमकीन। तो है ना, इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।